आज के फॉरेंसिक सीरीज में बात करने वाले हैं अबाउट द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड्स एंड वो कैटेगरी ऑफ फ्रॉड्स कैसे मालूम पड़ता है विद इट्स मॉडस ऑपरेंडी और कौन सी उसमें एक्टिविटी यूज की है फ्रॉडस्टर ने उसमें पड़ता है कि फ्रॉड कौन सा है। ये हम वीडियो दो पार्ट में बनाएंगे बिकॉज बहुत बड़ा वीडियो है ये, जहाँ पे हम आपसे 18 से 19 अलग कैटेगरी के फ्रॉड्स की बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए समझौती, आप देख रहे हो चैनल फिनटेक चैनल, आपको मिलती है फाइनेंस टैक्सेशन फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी आसान समझ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। फ्रेंड्स, जब कोई चीज हमें फ्री में मिलती है ना एंड वो भी ज्ञान, तो ऑब्वियसली उसको यूज करना चाहिए जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म में फायदा मिले। एंड वी नो वन थिंग कि फॉरेंसिक इज ए न्यू कंसेप्ट फॉर पीपल, पर अगर फ्रॉड की बात आती है तो फ्रॉड तो कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है एंड बिजनेस में फ्रॉड होना तो आम बात है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आई वुड से या विद द इंटेंशन ऑफ द पीपल इट कैन बी अ प्रमोटर एम्प्लॉयज या कुछ भी बोले। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट आवर टॉपिक। सबसे पहली फ्रॉड में बात करूंगा अबाउट बोगस इनवॉइसेस। एंड जब हम बात करते हैं बोगस इनवॉइसेस की, हमें पेपर में, न्यूज में हर जगह मिलता है फेक GST बिल, फेक इनवॉइस, ये वो। होता क्या है बोगस इनवॉइस? मीन्स फ्रेंड, जब इनवॉइस तो इश्यू किया गया है बट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं हुई है। मीन्स इट सिंपली मीन्स लाइक मैंने किसी एक्स इंसान को माल बेचने का इनवॉइस बनाया, पर उसके बुक्स में मैंने भी मेरे बुक्स में रिकॉर्ड किया कि मैंने सेल किया है, उसने भी रिकॉर्ड किया उसने परचेस किया है, सब कुछ सही है, हमने गवर्नमेंट को लेट से टैक्स भी पे कर दिया। तो मुश्किल कहां हुई? मुश्किल यहां हुई कि एक्चुअल में मेरा जो गुड्स मैंने सेल किया था वो गुड्स मेरे यहां से उस पार्टी को सप्लाई नहीं हुआ। मींस ये एंट्रीज फिक्टिशियस एंट्रीज बुक्स में घूम गई, दैट इज कॉल्ड अ बोगस इनवॉइसेस। एंड GST में एक प्रोविजन है, अगर आपको हम एग्जांपल दो सेक्शन में बोलते हैं कि अगर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स या सप्लाई नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं गिना जाएगा एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गेटिंग ITC ऑफ दैट गुड्स और सर्विस। तो बोगस इनवॉइस के चलते बहुत पर ऐसे ऐसे स्कैम निकल जाते हैं जहाँ पे मैं मेरे सेल्स बता देता हूँ, मेरे सामने वाली पार्टी मेरा परचेस बताती है, एक्चुअल में होता ही नहीं है। अगर हम दूसरे की बात करें फ्रेंड्स, इट कम्स एडवांस फी फ्रॉड्स, जहाँ पे मैं लोगों से एडवांस में कुछ ऊपर लेना स्टार्ट करता हूँ कि आपको मैं ये कोई गुड्स या सर्विस बाद में डिलीवर करूंगा, वो बात कभी आता ही नहीं है। मीन्स आप इंतजार करते रहोगे, वो एडवांस कभी बुक नहीं होगा। हमें एक याद हो, एक फाइनेंशियल या फ्रीडम मोबाइल करके आया था जहां पे आपको 251 में ही मोबाइल मिल रहा था एंड लोगों ने बोला कि उसका 6 महीने बाद वो मोबाइल लॉन्च होने वाला है, लोगों ने पेमेंट करना स्टार्ट किया, यहां तक देश में इतने रुपए उस बंदे ने एक्सपेक्ट, इतने रुपए उसको मिलेंगे बिकॉज वैल्यू बहुत कम थी मोबाइल, 251 में क्या होता है, तो 251 में लेट से अगर 10 लाख लोगों ने अगर बुक किया तो कितने रुपए होते हैं? वो बंदा भाग गया, सबको अगर 251 छोटा दिखता पर बाकी अमाउंट कितनी। और ऐसे लोग एडवांस में फी बुक करते हैं, अपने बुक्स में दिखाते हैं, एक्चुअल रियलाइज कभी नहीं होता है, या फिर मैं लोगों से एक्चुअल में एडवांस पैसे लेता हूं बट आई एम नॉट डिलीवरिंग माय गुड्स और सर्विस। दिस फ्रॉड इज समथिंग लाइक दैट कि पैसे वहां पे इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है ऑब्वियसली। फिर मैं अगर तीसरे की बात करूं, दैट इज ए कंप्यूटर हैकिंग, और वो भी हैकिंग किसके साथ में? इंफॉर्मेशन के साथ में, किसी की प्रॉपर्टी के साथ में, एंड प्रॉपर्टी ऑब्वियसली वर्चुअल प्रॉपर्टी आई वुड से। एंड जब हम कंप्यूटर हैकिंग की बात करते हैं तो वी ऑल नोस कि आज की दुनिया में इंटरनेट, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की कीमत क्या है। आज एक बच्चा जब 3 साल या 2 साल का भी होता है तो भी उस समय उसके मोबाइल यूज करना आ जाता है, वो कंप्यूटर का यूज करना इजीली कर लेता है। तो क्या हमें पता है कि जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर इसके यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो कितना वर्थ है? एंड अगर कोई इंफॉर्मेशन जिसको हम डेटा बोलते हैं वो अगर चोरी हो जाए, वो कैन बी डन, कंपनी के प्रॉफिट लॉस हिल सकते हैं, लेट से मुझे कल कोई टेंडर भरना है, उसने कोई मुझे रेट डालनी है एंड मेरे काउंटर पार्ट को किसी ने रेट बता दी तो उसके हिसाब से उसने वो रेट कम कर दी जितनी रेट मुझे भरनी थी, मेरे हाथ से टेंडर जा सकता है। कोई चीज को मैं लॉन्च करने वाला हूँ, किसी और को इन्फॉर्मेशन मिली वहां पे चोरी हो गया मेरा कुछ एंड वहां पे वो लॉन्च कर दे रहा है, या फिर लेट से मेरे पास क्रिप्टो करेंसी पड़ी है एंड मेरी क्रिप्टो करेंसी हैकर आता है, मेरे सिस्टम में पेनिट्रेट करता है, यानी मेरे सिस्टम को कुछ मिसयूज करता है, वो क्रिप्टो करेंसी अपने अकाउंट में लेता है। एनीथिंग कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू सच अ काइंड ऑफ फ्रॉड। एंड आज के दिन में अगर हम सिक्योरिटी प्रॉपर यूज नहीं करते, टेक्निक प्रॉपर यूज नहीं करते, मुश्किल बहुत होने वाली है। हैव यू हर्ड अबाउट द करप्शन एंड ब्राइबरी? यस फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है जिसको हम इसको भी फ्रॉड में ही गिनते हैं।
बिकॉज जब मैं करप्शन की बात करता हूँ या ब्राइबरी की बात करता हूँ, ब्राइबरी मीन्स घूस, यहाँ पे घूस ली जाती है कुछ काम करने के लिए, या करप्शन की बात करूँ, ये काम तभी होगा जब इतने रुपए मिलेंगे, अंडर कटिंग बोलूँ मैं या अंडर टेबल बताऊँ मैं, तो ये एक खुद में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। एंड ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कहा जाता है, जब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज बात होती है ना तो गवर्नमेंट कोई भी काम करप्शन या ब्राइबरी के लिए नहीं होता है। एंड वी ऑलमोस्ट एज पर दी सर्वे इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है, वो फ्यूचर में कभी ये भी कम हो। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, काउंटरफिटिंग, फॉर्जरी और कॉपीराइट अब्यूज। जब मैं काउंटरफिट की बात करता हूँ, फॉर्जरी की बात करता हूँ, यानी हम शक्ल जैसी बात, उसके से डिट्टो बनाया जाता है, बोलो डिट्टो होगा नहीं, इट कैन बी फर्स्ट कॉपी, कोई प्रोडक्ट की बात कर दो, या वो उसका हुबहू दिखाने की बात करना जो होता नहीं है, या कोई और कंपनी, लेट से मैं बोलता हूँ एडिडास है, एडिडास के बदले उसने एडिडास आ कर दिया, या उसने डबल डी लगा दिया, आपको लगेगा प्रोडक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, पर चीज वो होगी नहीं। सो देयर आर मेनी थिंग्स जहां पे आपको वेबसाइट से फ्रॉड होते, बहुत कुछ होता है, तो ये सब फ्रॉड इज अ सीरियस कंसर्न फॉर पीपल। हैव यू हर्ड अबाउट द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, जहां पे क्रेडिट कार्ड मैं यूज करूँ ना करूँ मेरा बिल आ जाता है, मीन्स किसी और ने उसको यूज किया होगा। बहुत बार लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं जहाँ पे चिप यूज करते हैं आज भी, वो मैग्नेटिक चिप यूज होने के बाद में आपके पास 2000 रुपए तक का ओटीपी जरूरत नहीं है, जो आज के वाईफाई से पेमेंट हो रहा है, वहां से वो तो पेमेंट होता है, या अगर मेरा क्रेडिट कार्ड हैक हो जाए तो ऑनलाइन पेमेंट कोई और यूज कर रहा है, मैं यूज ही नहीं करता हूँ, बट पेमेंट हो गया, या फिर मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है, आई हैव टेकन अ क्रेडिट कार्ड, उसको थोड़ी दिन यूज किया, उसकी फुली लिमिट में यूज कर रहा हूँ एंड उसका उसको पेमेंट नहीं कर रहा है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। Have you heard about the false accounting, manipulation of accounts and accounting records? Means, जहाँ पे मैं accounting जो actual में transaction कभी मैं बता ही नहीं रहा हूँ, या तो उसको मैं overstatement कर रहा हूँ या understatement कर रहा हूँ, कब होता है ये चीज? अगर मेरे को loss आ रहा है, मुझे profit दिखाना है मेरे books of accounts में, तो उसको मैं overstate करूँगा, मेरे income को expense को कम बताऊँगा, पर अगर मुझे लगता है मेरा profit ज़्यादा आ रहा है, मुझे tax नहीं भरना है, या कोई भी reason मुझे इतना सब नहीं बताना है, तो क्या होगा? उस समय पे मैं मेरी इनकम या तो दबाऊंगा या मेरा एक्सपेंस बढ़ाऊंगा, एंड इट इज बाय एनी मींस, वो मेरा टैक्स इवेजन भी हो सकता है, टैक्स अवॉइडेंस भी हो सकता है, या टैक्स प्लानिंग भी हो सकता है। ऑलवेज नोट, टैक्स प्लानिंग में कभी भी आप मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स नहीं करोगे, आप उसको प्लानिंग प्रॉपर करोगे, बाकी सब ऐसा नहीं होता। बहुत भाई होता है जो भी आईबीसी जिस पे आया है, फ्रॉडुलेंट बैंकक्रप्सी, जहां पे मैं बैंकक्रप्ट नहीं हूं पर मैं सामने दिखाता हूं कि मैं काबिल नहीं हूं पैसे चुकाने के लिए, एंड मैं यहाँ पे नादारी अपनी घोषित करता हूँ, जहाँ पे लोगों के पैसे होते पर उन्होंने लोन लेके कहीं और पे डाइवर्ट कर दिया होता है पैसे, अगर उन्होंने पैसे डाइवर्ट किए हैं या अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे, स्टॉक वहां से अपने यूनिट से गायब कर लेते हैं, दे सोस दैट दे आर गेटिंग अ बैंकक्रप्ट, वो असली में होता नहीं है फ्रेंड्स। लास्ट फॉर टूडे इज अबाउट द इंश्योरेंस फ्रॉड, जहाँ पे हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉड। हम सब जानते हैं इंश्योरेंस मैंने लिया है, एक्चुअल में वो इंसिडेंट या इवेंट नहीं हुआ, उसको मैं क्लेम कर रहा हूं, एंड बहुत से एजेंट फ्रॉड है, बहुत सारे आपको लिंक पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड यस, उस समय हम सेकंड पार्ट भी लाने वाले हैं। मैं हूं सीए समीर चौधरी, शेयर कीजिए फ्रेंड्स से, फ्रॉड्स मालूम पड़ेगा तो हम रोक पाएंगे। मैं हूं सीए समीर चौधरी, थैंक यू। Subscribe our channel, FinTech Chanak, for easy knowledge on finance and taxation.